सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए कमल की वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से अज्जू 3008 एंड रजनी चौधरी के बीच में जो है एक कंट्रोवर्सी हुई पड़ी है, और ये कंट्रोवर्सी हुई है अज्जू 3008 की भाभियों को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि रजनी चौधरी जो है अज्जू 3008 के साथ हमेशा से कंट्रोवर्सी करना चाहती थी, और अब तो कंट्रोवर्सी करने के लिए ये रजनी चौधरी जो है अज्जू 3008 के फैमिली मैटर के बीच में ही घुस गई है। कि सोसाइटी में हमारी इतने सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इतना गंद मचा रहे हैं, उनकी रियल लाइफ जो है वो इतनी गंदगी से भरी हुई है, लेकिन ये सोशल मीडिया पे बहुत स्मार्टली अपने आप को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, अपने आप को इतना बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी असलियत क्या है? मैंने ये टॉपिक पहले भी एक बार हाईलाइट किया था, लेकिन बहुत स्मार्टली बहुत लोगों ने आकर उसको दबा दिया था। आज फिर उस टॉपिक को हाईलाइट करेंगे। दोस्तों देख रहे हो आप सब इन दीदी को, यार ये दीदी इतनी चतुर चलाक है, मतलब यार जो टॉपिक पहले दब चुका था, जिस टॉपिक को लोगों ने पहले दबा दिया था, अब ये दीदी फिर से उस टॉपिक को लेके आ गई है। अज्जू 3008 की भाभी हूं मैं, और मेरा नाम रीना है। उनके सबसे बड़े भाई सुबे सिंह की वाइफ हूं, जो एक्सपायर हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मेरे लड़कियों को और मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया, और मेरे हस्बैंड की डेथ के 10-15 दिन बाद ही उन्होंने मेरी पहले बड़ी लड़की है उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा, और तब मैंने उनको कहा कि भाई मेरी लड़की को क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने मुझे भी पीटा फिर, और फिर कहा कि तू घर से निकल जा, तेरा कुछ नहीं है, तेरा पति खत्म हो चुका है, तेरा यहाँ पर कुछ नहीं रहा। तो दोस्तों देख रहे हो आप सभी, मतलब यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये आंटी कहना क्या चाहती है। मतलब यार अभी तो ये बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद जो है उन्होंने मेरे को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, और दोस्तों ये आंटी अब ये भी बोल रही है कि उनके हस्बैंड यानी कि अज्जू 3008 के बड़े भाई की डेथ के 10-15 दिन के बाद जो है उन्होंने इनकी बड़ी बेटी को भी मारा, इनको भी मारा, एंड उनसे कहा तुम्हारे इस घर में कोई नहीं है, तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। मतलब यार जब पहले ही घर से बाहर निकल चुकी थी, तो फिर अब दोबारा घर से बाहर कैसे निकल रही है? मतलब कुछ भी, तेरा कोई हिस्सा नहीं है, ना तेरी लड़कियों का ना तेरा है। अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे 3 साल से स्कूल भी नहीं गए, उनकी फीस तक नहीं भरी इन्होंने। तो दोस्तों सुना आप सभी ने, इन आंटी ने क्या कहा? मतलब यार इनका कहना है कि पिछले 3 साल से इनके बच्चे स्कूल नहीं गए, इनके बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं भरी गई है। तो दोस्तों मैं तो इन आंटी को यही कहना चाहता हूँ कि जब आंटी आपको पता था कि आपके साथ ये सब चल रहा है, तो आंटी आप इतने दिनों तक चुप कैसे बैठे हुए थे? तो भाई जब अगर मैंने उनको मारा था पीटा था, तो वो 8 महीने तक कैसे चुप थी? 8 महीने तक तो चुप थी। तो दोस्तों मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि जब अज्जू की भाभी के साथ इतना सब बुरा हुआ था, तो वो अब तक चुप कैसे बैठी हुई थी? उन्होंने ये सब पहले क्यों नहीं करा? उन्होंने पहले क्यों नहीं इन सब चीजों के बारे में जाके थाने में रिपोर्ट किया? लेकिन यार मुझे तब ये समझ नहीं आ रहा कि रजनी के आने के बाद इनके मुंह में कैसे अब अचानक से जुबान आ गई? यही नहीं, अभी और सुनिए। अब जाके कैसे एकदम से रजनी आ गई है कि इनको इंसाफ दिलाओ, इनको ये दिलाओ, इनको वो दिलाओ, ये करने लग गई। अरे तो यार सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये रजनी चौधरी होती कौन है, दूसरों की फैमिली मैटर में इंटरफेयर करने वाली? मतलब दीदी तुम अपनी जिंदगी से मतलब रखो ना, दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी क्यों कर रहे हो? और रही बात अज्जू की भाभी को न्याय दिलाने की, तो दीदी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो जाके किसी अदालत में केस लड़ो ना, वहाँ पे उनको न्याय दिलाओ। क्यों तुम अपने चैनल पर उनके फैमिली मैटर को लाकर पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही है। एंड वैसे दोस्तों आप सभी को बता दूं कि बताया तो यही जा रहा है कि अज्जू के बड़े भाई की जब डेथ हुई थी, तो उसके बाद जो है अज्जू की भाभी के घर वाले अज्जू के घर वालों पर ये दबाव डाल रहे थे कि अज्जू की भाभी की शादी जो है अज्जू के साथ हो जाए। और दोस्तों ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इस रजनी ने भी खुद अपने इंटरव्यू के अंदर ये सब चीज बोली थी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ये देखो, भाभी भाई एक्सपायर हो गया, मेरे से शादी करा दो। और अगर आपको नहीं पता तो रजनी ने ये पहले भी अपनी वीडियो में बोला था कि जा अज्जू, उसको हाथ जोड़, उससे शादी करो, उसको घर लेके आ। आपसे ये भी बोला गया है कि आप शादी कर लीजिए, जो भाभी आपकी बहुत कम एज में विडो हो गई, आपने स्ट्रेट अवे मना कर दिया, क्योंकि इंसानियत नाम की चीज नहीं आपके अंदर। तो दोस्तों ये देखो, मतलब यार ये है रजनी की पढ़ी लिखी अनपढ़ों वाली बातें। मतलब यार अगर कोई बंदा किसी से शादी करने के लिए मना कर देता, और वो भी अपनी भाभी से, तो ये लड़की उसको बोलती है कि इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। भाई मेरी लाइफ खुद की कोई लाइफ नहीं है क्या? मैं किसी से शादी नहीं कर सकता क्या? मैं अपनी मन पसंद से शादी नहीं कर सकता यार? मैं रजनी के कहने से शादी करूंगा, अपनी भाभी से कहने से शादी करूंगा, पंचायत के कहने से शादी करूंगा? मैं खुद नहीं कर सकता शादी, मैं अपनी लाइफ में अपना पार्टनर खुद चुनना चाहता हूँ। अरे हाँ जो भाई, तुम अपने लाइफ पार्टनर को अपनी मर्जी के अनुसार चुन सकते हो। और तुम क्या भाई, कोई भी इंसान अपनी मर्जी के अनुसार अपने लाइफ पार्टनर को चुन सकता है, और हर किसी को अपनी मर्जी के अनुसार अपनी शादी करने का पूरा हक है। लेकिन गाइस वही बात है ना, इस रजनी जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को कौन समझाए? सही पकड़े हैं। मेरे पापा भी हाथ उठा सकते थे, मेरे भाई भी गए थे, इन लोगों ने मेरे भाई को भी मारा, पर मेरे भाई और मेरे पापा और सभी लोगों ने सोचा कि बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। ये देख रहे हो हाथ, आशुवाद देखिए भाई, ये देखो, और हिमांशु का पैर देखो कितनी बुरी तरह, और भाई यहाँ ये देखे फेस पे, देखो ये फेस देखो, देखो हाथ पूरा खूनम खाल हो रखा, और मेरा फेस देख रहे हो ये यहाँ पे
घर में आके घुस के मारा है भाई घर में, और 20 से 25 बच्चे थे टोटल के टोटल, जो बंदे थे 20 से 25, और पिस्टल तक भी थी जो मेरे पापा को लगाई थी उन्होंने। तो दोस्तों देख रहे हो आप सभी, मतलब यार एक तरफा तो अज्जू की भाभी बोल रही है कि अज्जू के घर वालों ने उसकी भाभी के घर वालों को बहुत बुरी तरीके से पीटा, और अब वही अज्जू भाई भी यही बोल रहे हैं कि अज्जू की भाभी के घर वालों ने अज्जू के घर वालों को बहुत बुरी तरीके से पीटा। यहाँ तक कि दोस्तों अज्जू का तो ये भी कहना है कि अज्जू की भाभी के घर वालों ने अज्जू के पापा पर बंदूक भी तानी थी। तो दोस्तों सही बताओ तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कौन सही है और कौन गलत है। सही बताओ तो अज्जू की भाभी ने भी अपनी वीडियो के अंदर अज्जू के खिलाफ सबूत दे दिया, एंड अज्जू ने भी अज्जू की भाभी के खिलाफ अपनी वीडियो के अंदर सबूत दे दिए। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन गाइस मैं तो फिर भी यही कहना चाहता हूँ कि आखिरकार ही रजनी चौधरी होती कौन है किसी के भी फैमिली मैटर में इंटरफेयर करने वाली। मतलब यार इसने जो एक फैमिली मैटर को अपने चैनल पर लाकर अपनी वीडियो पर व्यूज पाने का जरिया बना लिया। अरे शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये सब तो न्याय दिलाने के लिए हो रहा है, तो यार अगर न्याय दिलाने है तो जाके किसी अदालत में केस लड़ो ना, वहाँ पे कोई वकील करो, क्यों तुम किसी के फैमिली मैटर को दिखाकर पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना रहे हो। सब क्या देखना पड़ रहा है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतने, और हाँ गाइस अगर मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ भी गलत बोल दिया तो यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि इस वीडियो का मकसद किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। और हाँ दोस्तों आप सभी लोगों का अज्जू 0008 एंड रजनी चौधरी के बीच की कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतने, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।